वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किस प्रकार हमारे पास चालकता के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, ठोसों को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो हमारे पास चालक, एक हमारे पास कुचालक और एक हमारे पास अर्धचालक। मैंने आपको बताया था कि चालक में किस प्रकार विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बात की थी किसके, अर्धचालक की बात और की थी, सेमीकंडक्टर की बात और की थी। तो आज हमको बात करनी है अर्धचालक की, ठीक है। अर्धचालक में विद्युत चालन, अर्धचालक में विद्युत चालन। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह हो सकता है। चालक में तो हो सकता है आसानी से, लेकिन अर्धचालक में किस प्रकार हो सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि अर्धचालकों में इस प्रकार बैंड होती है, एक तो भरी हुई बैंड होती है, ठीक है, एक तो भरी हुई होती है और एक होती है रिक्त, ठीक है, एक रिक्त बैंड होती है। अगर भरी हुई बैंड से रिक्त बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, है ना, तो हमारे पास अगर आसानी से चले जाते हैं तो वो चालक होते हैं, नहीं जाते तो कुचालक होते हैं, और थोड़ी सी ऊर्जा देने के बाद चले जाते हैं तो वो अर्धचालक होते हैं। यहाँ पे अगर हम इनको थोड़ी सी एनर्जी दें, यहाँ पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना, अगर उनको हम एनर्जी दें और वो एनर्जी पाकर कहाँ चले जाएँ, खाली वाले ऑर्बिटल्स में चले जाएँ, है ना, तो ऐसो को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या है, अगर भरे हुए कक्षक से खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा प्रदान करके चले जाएं तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। अब देखो, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने के लिए हम दो तरीके के अर्धचालक बता सकते हैं, कौन कौन से। एक तो हम बता सकते हैं अंतःद्रव्यीय अर्धचालक, कौन से, अंतःद्रव्यीय अर्धचालक या अंतर अर्धचालक। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, हम कुचालक को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना, गर्म करने के बाद जैसे ही हम गर्म करते हैं ना, तो आपको पता है गर्म करने पे कणों की गति बढ़ जाती है, है ना। आपको पता है किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे हम तो जो कण हैं, कणों की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, कण इधर से उधर जल्दी जल्दी गति करने लग जाएंगे, है ना। पानी भी हम गर्म करते हैं तो वो उबलने लग जाता है, इसी प्रकार हम जब गर्म करेंगे किसी चीज़ को तो उसके कण क्या होंगे, इधर उधर गति करने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे, है ना, और वो कण यहाँ इस वाली बैंड से खाली वाली बैंड में चले जाएंगे, भरी हुई बैंड से कहाँ चले जाएंगे, रिक्त बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ गर्म करने से ही, गर्म करने से यहाँ चले जाते हैं, तो ऐसे अर्धचालक हमारे पास क्या कहलाते हैं, अंतर अर्धचालक, ठीक है। इनमें हम बता सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे अर्धचालक जिनमें कुछ ऊष्मा देकर या गर्म करने पर उनको चालक बनाया जा सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ ऊष्मा देकर या गर्म करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से संयोजी बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। इसको संयोजी बैंड भी बोलते हैं, इसको चालकता बैंड भी बोलते हैं, या फिर भरी हुई बैंड और रिक्त बैंड, इससे भरी हुई से इलेक्ट्रॉन रिक्त में चले जाते हैं, ठीक है, सिर्फ गर्म करने पर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर अर्धचालक, क्या बोलते हैं, अंतर अर्धचालक, ठीक है। एक हमारे पास होता है बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखो हमारे पास जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, मैं आपको बना देता हूं, सिलिकॉन
ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है। अंतर अर्धचालक में तो हम सिर्फ गर्म कर रहे थे, है ना, गर्म करने के बाद इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक बैंड से दूसरे बैंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। बाह्य अर्धचालक में क्या करते हैं, हमारे पास जो अर्धचालक है ना, जो अर्धचालक है, जो ठोस है, उसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं। आप कहोगे कैसे, देखो यहाँ पे सिलिकॉन में आपको पता है चार इलेक्ट्रॉन होते हैं हर सिलिकॉन के पास, ठीक है, हर सिलिकॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मान लीजिए ये हमारे पास बाह्य अर्धचालक में क्या होता है, इसमें कोई अशुद्धि मिलानी होती है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मुझे कुछ और लिखना है। ये हमारे पास क्या है, अर्धचालक है सिलिकॉन, जो क्या है बाहरी अर्धचालक। कैसे बनेगा ये, मेरे पास बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के, और एक होता है पी प्रकार के, पी प्रकार के, ठीक है। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, यहां बना देता हूं, ये मैंने सिलिकॉन बना दिया, ये हमारे पास क्या है सिलिकॉन है। मैं दो बार बना देता हूं इसको, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। पहले तो मैंने क्या है अर्धचालक बना दिया। अब आप कहेंगे सर ये एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक कैसे हैं, एन प्रकार के अर्धचालक कैसे हैं, ठीक है। देखो एन प्रकार का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का ज्यादा होना, ठीक है, और पी प्रकार का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा होना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का ज्यादा होना और पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा होना, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां पे करते क्या हैं, जब हम बात करेंगे नेगेटिव प्रकार की, है ना, तो हम क्या करेंगे, इससे एक अधिक वाला हम कोई ऐसी अशुद्धि मिला देंगे, यहाँ पे हम कोई ऐसी अशुद्धि मिला देंगे जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए। देखो सिलिकॉन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स बंधे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें जब मैं इस क्रिस्टल को बना रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी मात्रा में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फास्फोरस मिला दिया, ठीक है, मैंने क्या मिला दिया, फास्फोरस मिला दिया, मिला सकते हैं, ठीक है। देखो देखो मैंने ये क्यों बनाया है, अब देखो आप ये देखिए कि देखो एन टाइप की अशुद्धि कब होगी, एन टाइप की अशुद्धि कब होगी, जब हम देखो कार्बन है ना, कार्बन के बाद वाला वर्ग, अगर आपने आवर्त सारणी देखी है तो कार्बन के बाद वाले वर्ग का कोई तत्व अगर हम मिला दें, कार्बन के बाद वाले वर्ग का अगर कोई तत्व यहाँ पे मिला दें, अब जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन से आगे क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फास्फोरस मिला दिया। अब देखो आपको पता है फास्फोरस और नाइट्रोजन यहाँ पे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच, ये कार्बन वाली श्रृंग वर्ग में कितने होते हैं, चार, और यहाँ कितने होते हैं, तीन, ठीक है, आपने आवर्त सारणी देखी होगी, ठीक है। इधर के एलिमेंटों में आउटर सेल में संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच, ये कार्बन वाले में कितने होते हैं, चार, और यहाँ होते हैं तीन, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, सिलिकॉन में ये जो सिलिकॉन था ना चार वाला, इसमें पांच वाले मिला दिए। अब फास्फोरस की चार इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। फास्फोरस की चार फास्फोरस में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं भारतम कोष में, तो चार इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर से उधर क्या है, घूमने की कोशिश करेगा, इधर से उधर घूमने की
कोशिश करेगा, जिसके कारण हमारे पास क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा, जिसके कारण हमारे पास विद्युत का प्रवाह होगा पूरे के पूरे ठोस में। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ आए, यहाँ हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर की अशुद्धि मिला सकते हैं, जैसे बोरोन मिला दिया, एल्यूमिनियम मिला दिया। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने बोरोन मिला दिया, अब बोरोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। ठीक है, तो इसके तीन इलेक्ट्रॉन तो क्या है, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, छिद्र बोल रहे हैं। ठीक है, अब पड़ोस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, पड़ोसी का जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस छिद्र को भरने की कोशिश करेगा। मान लीजिए ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसने इसको भरने की कोशिश की। ठीक है, तो उसके पास से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। फिर अगर इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस वाले ने भरने की कोशिश की, तो उसके पास खाली रह जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास पूरे क्रिस्टल में क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास छिद्र हो, छिद्रों के कारण हमारे पास विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसको हम बोलते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालक कब प्राप्त होंगे, जब हम जैसे हमारे पास ये वाला वर्ग है। ठीक है, ये 14th वर्ग है, इसमें आगे वाले वर्ग की अशुद्धियों को मिलाएंगे, है ना। जैसे सिलिकॉन में फास्फोरस मिला दिया, तब हमारे पास एन प्रकार की अशुद्धि प्राप्त होगी, जिसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास एक वर्ग पीछे वाले की अशुद्धि मिला दी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, छिद्र बनेंगे। क्या बनेंगे, छिद्र बनेंगे, खाली स्थान बनेंगे, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, अर्धचालक हो गए, पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, सेमीकंडक्टर की बात हो गई। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।